ये पैसा आपका है, जीएसटी में आप देते हो, देश को ये पैसा आपसे मिलता है, टैक्स आप देते हो, उतना ही टैक्स आप देते हो जितना अदानी देता है, मगर ये धन आपको नहीं दिया जाता। इसीलिए पहली बार इंडिया की सरकार करोड़ों महिलाओं को बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए महीने के 8,500 रुपए ठका ठक देगी, और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से निकलेगा नहीं। जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे होगा उस दिन तक उसे हर महीने 8,500 रुपए साल के 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में हम देंगे। अब आप कहोगे, यहां पे पुरुष हैं, आप कहोगे राहुल जी आपने हमें क्यों नहीं दिया, महिलाओं को क्यों दे रहे हो, ये सवाल उठेगा उठेगा। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में स्त्री और पुरुष दोनों बाहर जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, मगर अगर पुरुष 8 घंटे काम करता है तो हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे मजदूरी करती है और फिर घर में 8 घंटे फिर से काम करती है। हां, तो ये जो महिलाएं हैं ये दुगना काम करती हैं, इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए जाने वाला है। अब मैं जानता हूं कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा, मगर इसका फायदा पुरुषों को भी होगा, मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा मगर अंत में फायदा आपको भी होने वाला है। कटाकट। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना कटाकट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, झूठा वायदा था। यहां की कॉटन इंडस्ट्री खत्म कर दी, छोटे व्यापारी जो थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, फैक्ट्रियां बंद करवा दी गलत जीएसटी और नोटबंदी के कारण। जीएसटी नोटबंदी भाइयों और बहनों अरबपतियों के लिए किया गया था, नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की, इसीलिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू किया है। अब 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं आपने हमें झूठ क्यों बोला। मैं आपको हिंदुस्तान के युवाओं को रास्ता दिखाना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है, योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए 8,500 रुपए खटाखट महीने के। महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा और करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में रोजगार का अधिकार मिलेगा और उनको 1,00,000 रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो
तो नौकरी पक्की हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम आपके लिए भर देंगे और आपके हवाले वो रोजगार हम दे देंगे। मैं जानता हूं यहां पे मनरेगा के मजदूर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपका लोकसभा में अपमान किया था। प्रेस कहती है कि मनरेगा से लोगों की आदत बिगड़ती है, आप मजदूरी करते हो उसके लिए आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है, मगर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उसको ये विकास कहते हैं। हमने मन बना लिया है, आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको, 250 मिलता है ना, है ना, चुनाव के बाद 400 मिलेगा। और जो महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा का काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। सरकारी ऑफिसेज में पब्लिक सेक्टर